उत्तर प्रदेश के बस्ती से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 700 कर्मचारियों में से 300 कर्मचारियों के ईपीएफ का तकरीबन 88 लाख रुपया उनके खाते में जमा नहीं किया गया। ये हैरान कर देने वाला खुलासा एक संविदा कर्मी द्वारा आरटीआई दायर कर अपने ईपीएफ अकाउंट का हिसाब मांगने के दौरान हुआ। वही विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मामले से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि डीएम सौम्या अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जाँच करवाने की बात कही है। जो स्वास्थ्य विभाग में ईपीएफ वाला प्रकरण संज्ञान में आया है उसमें दो वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति गठित कर दी गई है और उनके द्वारा जो जांच करी जाएगी उसके जो निष्कर्ष निकलेगी। स्वास्थ्य विभाग में जिन संविदा कर्मचारियों का वेतन 15,000 या उससे कम होता है उनका ईपीएफ काटा जाता है। इसमें मानदेय का 12% ईपीएफ कर्मी का और उतना ही अंशदान विभाग का भी होता है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा 2015 में संविदा कर्मियों के मानदेय से ईपीएफ कटौती का निर्देश दिया गया था। तब से कर्मियों का ईपीएफ तो कट रहा है लेकिन संबंधितों के खाते में नहीं पहुंच रहा। ये जो है हमको एक दूसरे के साथ जो है ये जानकारी मिली है, किसी के थ्रू ये जानकारी मिली कि हमारे ईपीएफ जो खाते से है उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। 2015 से हम लोगों ने ज्वाइन किया है और तब से लेकर के जो है हम लोगों का ईपीएफ का कटौती हर साल होता रहा है। और जिस कटौती में हम लोगों को तो ये दिखाया गया कि जो है आप लोगों का ईपीएफ हर महीने वेतन से काट के ले लिया जा रहा है, लेकिन वो जो है ईपीएफ का पैसा कहाँ गया है, किसके खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है, ये हम लोगों को कोई पता नहीं है। और इसमें जो है हमारे यहाँ से समझिए एक छोटे से बाबू से लेकर के और एक सीएमओ तक, हम तो यही कहेंगे क्योंकि अगर उनको ये चीज़ पता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुआ है तो किसी ने ये नहीं बताया हम लोगों को कि जो है आप लोगों का इतना पैसा ईपीएफ का है, ये हमने कहाँ भेजा, क्या हुआ। और जब इस बातों को हमने अपने यहाँ अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा तो उससे हमको कोई संतुष्टि। इस कारण संविदा कर्मियों को प्याज का नुकसान उठाने के साथ ही विभाग के अंशदान का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वही आरटीआई में अपने ईपीएस अकाउंट का हिस्सा मांगने वाली संविदा कर्मी सरिता का कहना है कि उसे अपने खाते का पूरा ब्यौरा चाहिए कि उसके अकाउंट में अब तक कितना ईपीएफ जमा किया जा चुका है। वही अन्य संविदा कर्मचारियों का कहना है नहीं जानते किस तरीके से, लेकिन ये पता चला है कि हम लोग का ईपीएफ का पैसा कटता है, लेकिन सर मेरा ईपीएफ का अकाउंट ही नहीं बना था। पैसा आखिर में अगर कट रहा तो किस अकाउंट में जा रहा है, ये भी तो हमको जानकारी होना चाहिए। जब हमने हमको पता चला कि मेरा अकाउंट नहीं बना तो हम जो गए सीए अजीत के यहाँ, उसके बाद में हमने वहाँ पता लगा तो ये हुआ कि आपका अकाउंट नहीं बना है। तो फिर उसके बाद मैं बोली कि ज्वाइनिंग लेटर लेके आइए, अपना आधार लेके आइए, मैं अकाउंट बना दूंगा। उसके बाद मेरा अकाउंट वहाँ बन गया सर। उसके बाद वो बोले कि अपने विभाग वालों को आप ये जानकारी दीजिए, आगे का प्रोसेस नहीं। पैसा कब से, ये छोटे से लेके बड़े तक जितने भी कर्म अधिकारी चाहिए हैं, बाबू से लेके जितने भी हैं उच्च अधिकारी तक सभी शामिल है इसमें। अब किसी को ये नहीं कह सकते कोई हिसाब है। कितने लोग जाते हैं तो एक हफ्ते कितने लोगों से इस तरीके का फ्रॉड हुआ है कुछ लगभग में आंकड़ा यहाँ पे जितने भी हमारे अर्बन के साथ ये अर्बन अभी तो फिलहाल अर्बन की। तो उन्होंने कहा कि ईपीएफ का धन संबंधितों के अकाउंट में बराबर भेजा जा रहा है लेकिन टेक्निकल वजह से पासबुक में नहीं चल पाया है, जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा। वे मामले की गंभीरता को समझते हुए डीएम सौम्या अग्रवाल ने कहा कि उनके संज्ञान में भी मामला आया है और वे इसकी जांच करवाएंगे। अगर सच में ऐसा कुछ पाया गया तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव। की योजना के शुरू होने से लेकर आज तक एक पैसा भी ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं किया गया, जबकि उनके मानदेय से ईपीएफ के नाम पर कटौती हर महीने की जाती रही। वही इस मामले में जिला कार्यालय अधिकारी एनएचएम राकेश पांडे ये कहते हुए साफ बच निकले कि ये पूरी जिम्मेदारी अकाउंट की है। इसके बाद अब जिला अकाउंट मैनेजर